हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक और सेहतमंद होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ परवल की सब्ज़ी। वो भी देखिए कितना अच्छा ग्रेवी के साथ आप घर पर बिना प्याज लहसुन के बना सकते हैं। काजू हो या मगज ना भी हो तो आप इसका जो ग्रेवी अच्छी तरह से बना सकते हैं। जो हम घर में दूध रखते हैं उसकी मलाई से आप इस तरह का ग्रेवी आराम से बना सकते हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार भी लगता है। और अगर आप नए मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एवरीवन। वो भी बिल्कुल फ्री में है। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई पर 5-6 टमाटर को काट कर फ्राई कर लिया है तेल में, रिफाइंड ऑयल में। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो इसी कढ़ाई में ही थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर जो परवल को मैंने काटा हुआ था इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी फुल आँच में हम इसे चला लेते हैं 2-3 बार, और इसे ढक कर लो आँच में हम इसे पका लेते हैं 5 मिनट के लिए। तो ये परवल देख सकते हैं थोड़ा सा पक चुका है, तो इसे बाहर कर लेती हूँ। इसी कढ़ाई में ही थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देना है। आप चाहें तो जीरा या सरसों डाल सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है। ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद यहाँ पर हमें 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डालना है। ज़्यादा गर्म नहीं है तब भी डालिएगा, नहीं तो हमारा जो ये लाल मिर्च पाउडर है जल जाएगा। तो इसे डाल देती हूँ 1 चम्मच। यहाँ पर टमाटर प्यूरी को डाल देना है। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 2 चम्मच, थोड़ी सी यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। और हमारे पास और कुछ भी मसाला हमें यहाँ पर नहीं डालना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और 2 मिनट के बाद यहाँ पर जो घर का मलाई है मैं यहाँ पर 2 चम्मच जितना डाल देती हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और लो आँच में हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका ग्रेवी कितना अच्छा लग रहा है। बिना काजू मगज के भी आप इसे बना सकते हैं। देखिए बस आपको यहाँ भी मलाई चाहिए बस घर का। तो ये अच्छी तरह से पक चुका है। यहाँ पर मैं काटे जो फ्राई किया हुआ है परवल से डाल देती हूँ। इसे मिक्स कर लेती हूँ और आधा या 1 गिलास जितना पानी डाल देना है इसके। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ढककर हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छी तरह से फुल आँच में। तो 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। तो देखिए हमारी सब्जी तैयार हो चुका है एवरीवन। आप देखने में जितना सुंदर लग रहा है खाने में भी उतना ही मज़ेदार भी लगेगा। तो कटी हुई धनिया के पत्ते भी डाल देती हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और गर्मा गर्म इसे आप भी बनाकर एंजॉय कीजिए एवरीवन। तो मिलती हूँ आपको और एक रेसिपी के साथ। तब तक बाय एवरीवन।